नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं केमिकल विद्या। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दो तीन दिन से मुझे कुछ टीचर्स के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि उनको साइंस के लिए मेरे वीडियोस चाहिए ताकि वो स्कूल में शेयर कर सकें। जैसे कि लॉकडाउन चालू है तो कुछ टीचर्स को लाइव लेक्चर्स लेने पड़ रहे हैं या फिर वीडियोस शेयर करने पड़ रहे हैं जो स्कूल में पढ़ाते होंगे, तो उनको उनके लिए वीडियोस बना रहा हूं साइंस के लिए 10th स्टैंडर्ड का, जो कि आज का पहला लेक्चर है जो पीरियडिक टेबल के ऊपर। ये पीरियडिक टेबल का पहला पार्ट है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं पीरियडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, हम क्लासिफाई करते क्यों। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सारे क्लास के बच्चे एक साथ बैठाए जाते हैं, छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं के बच्चे साथ में बैठा देते हैं हम, तो उनको टीचर्स हैंडल नहीं कर पाएंगे। अलग अलग क्लास के बच्चे ना ही उनका रिकॉर्ड रख पाएंगे, ना ही उनको अलग अलग पढ़ा पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्लासिफाई करके रखा है छठवीं के अलग, सातवीं के अलग, आठवीं के अलग, नौवीं के अलग, ताकि एक बार टीचर्स जाए तो उनको एक ग्रुप ऑफ पीपल मिले जो एक जैसे हो, जिनको पढ़ना और जिनको समझाना और जिनका रिकॉर्ड रख पाना बहुत ईजी हो। इसीलिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी करते हैं। यहाँ पे 118 एलिमेंट्स हैं, इनको क्लासिफाई करके पढ़ पाना ही इजी होगा। हम सबको इंडिविजुअल पढ़ नहीं पाएंगे, सबके खुद के अपनी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो उनको हम नहीं पढ़ पाएंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज याद नहीं कर सकते। इसके लिए हमने क्लासिफिकेशन रखा है। अब क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत लोगों ने अपना अपना तरीका अपनाया। जैसे मैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक में चार तरीके हैं, डोबेरानर का, न्यूलैंड्स का, मेंडलीफ का और हेनरी मोस्ले का। जो हेनरी मोस्ले है वही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुल बनाया था, और बचे हुए तीन मेंबर ने सक्सेसफुल नहीं था लेकिन कुछ हद तक सक्सेस थे। कुछ लिमिटेशन थी, कुछ गलतियां थी, कुछ अच्छी बातें थी, तो वो सब चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज पहले हम इन तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे। जो हेनरी मोस्ले का मॉडल पीरियडिक टेबल है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बातें करते हैं डोबेरानर ट्रायड्स का। डोबेरानर ट्रायड्स ने तीन तीन एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले लोगों की या फिर एलिमेंट्स की जोड़ी बनाई थी, और उनकी जोड़ी में उन्होंने क्या बोला कि जो आजू बाजू के मेंबर होंगे, सपोज ए बी सी, ये तीन की एक जोड़ी है जिसके अंदर ए और सी का जो एटॉमिक मास होगा इसका एवरेज लेंगे, मतलब इन दोनों का मास ऐड करो डिवाइड बाय टू करोगे तो तुम्हारा बी का मास आ जाएगा। इनको इन्होंने बोला ट्रायड्स और ट्रिक है, मतलब तीन तीन की जोड़ी है। ये बहुत दिन तक सक्सेस नहीं, इनके अंदर भी कुछ गलतियां थी। पहली लिमिटेशन ये है कि चार ही लोगों को बता पाए, चार ही जोड़ी ये बता पाए थे। पहला था लिनाक जिसे बोलते लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, दूसरा था कासरवा कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम, तीसरा था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और चौथा था सल्फर सेलेनियम और टेलिडियम। यही चार जोड़ी वो बना पाए, तो उसके बाद वो नहीं बना पाए। इनका मानना था फ्यूचर में एलिमेंट्स आएंगे भी नहीं, जबकि फ्यूचर में एलिमेंट्स आए और भी मिले और वो सक्सेस नहीं थे। वो मतलब डोबेरानर ट्रायड्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए डोबेरानर पूरी तरीके से फेल हो गया। फिर आया मार्केट में न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स रूल। न्यूलैंड का मानना था कि इन्होंने एक सारे गामा पादा निशा, जैसे हमारे म्यूजिक में होता है सारे गामा पादा निशा, जिसमें सा हर आठवें के बाद सातवें के बाद सा आ जाता है, सा रे गा मा पा दा नी, फिर सातों हमारा सा आ जाता है। ऐसे न्यूलैंड का भी मानना था, अगर हमको इनको म्यूजिक जैसा म्यूजिक में वो बेसिस है, बेसिक है जो जिस तरीके से अरेंज है पूरा, अगर मैं एलिमेंट्स को भी ऐसा अरेंज करूंगा तो जो पहला एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी जो है सात के बाद आठवां जो आएगा उसकी प्रॉपर्टी से मैच करेगा। इन्होंने एक टेबल भी बनाया था, मैं टेबल आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, लिथियम से काउंट कीजिए क्योंकि हाइड्रोजन इनके अंदर ड्रॉबैक्स लिमिटेशन में आता है। अगर मैं लिथियम से काउंट करता हूँ, लिथियम इनका पहला मेंबर, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर आठवां एलिमेंट से सोडियम जो लिथियम जैसी प्रॉपर्टी रखता है, फिर मैग्नीशियम जो बेरिलियम जैसी प्रॉपर्टी रखता है, तो हर पहला मेंबर जो होगा वो आठवें मेंबर जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये इनका ऑक्टेव रूल था, इन्होंने ऑक्टेव रूल बनाया था जिसके अंदर ये ज्यादा दिन तक सक्सेस नहीं थे, इनके भी लिमिटेशन थे। मैं चारों लिमिटेशन बताता हूँ इनका। इनका पहला लिमिटेशन था कि इन्होंने 40 एलिमेंट तक की ऑक्टेव रूल ऑक्यूपाई किया था, मतलब 40 के बाद ऑक्टेव रूल अप्लाई नहीं हो रहा था। दूसरी लिमिटेशन था कि इनका मानना था फ्यूचर में एलिमेंट्स नहीं आएंगे, जबकि फ्यूचर में भी एलिमेंट्स आए और इन्होंने ऑक्टेव रूल फॉलो नहीं किया। तीसरा लिमिटेशन था कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को एक साथ में रखा था जबकि दोनों का एटॉमिक मास अलग अलग था, जैसे कोबाल्ट और निकल, दोनों का एटॉमिक मास अलग है लेकिन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा था, जबकि इन्होंने बोला था कि इनको अरेंज कैसे करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, लेकिन उन्होंने दो अलग अलग एटॉमिक मास वाले को साथ में रख दिया था। एंड चौथा लिमिटेशन था कि उन्होंने अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले मेंबर को साथ में रखा था एक ही ग्रुप में, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन हो गया, ये हेलोजन है, ये नॉन मेटल्स है, इन्हीं के ग्रुप में कोबाल्ट और निकल भी रखा गया था जो कि मेटल है। तो इनके चार बेसिक लिमिटेशन थे, चार गलतियां थी जिसकी वजह से ये फेल हो गए। फिर आगे मार्केट में मेंडलीव्स पीरियड टेबल। मेंडलीव्स पीरियड टेबल पहले बता देता हूँ, इन्होंने भी एटॉमिक मास के तरीके से अरेंजमेंट किया था, इन्होंने भी अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, लेकिन उन्होंने कुछ बैरियर नहीं लगाया था, जैसे आठ एलिमेंट्स ही प्रॉपर्टी शो करेगा, तीन तीन की जोड़ी ही बनानी है, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास अरेंज करना चालू किया, पहला एलिमेंट्स, फिर इंक्रीज करते गए करते गए, अगर इसके जैसी प्रॉपर्टी दोबारा मिलते तो उसको नीचे रखते जाएंगे। ऐसा नहीं था कि आठ के बाद ही, दो के बाद मिले दूसरे पे ही रख देंगे,
पांच के बाद, मतलब पांच के बाद ही रख देंगे, ऐसे इनके बीच में कोई ऑक्टेव्स या ट्रायड्स नाम का चीज नहीं था। जब मिलेगा प्रॉपर्टी तब मैं रख दूंगा उसके नीचे। मेंडलीज पीरियोडिक टेबल बहुत हद तक सक्सेस थे। इनका मानना था फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज किया जाएगा। इनके पहले केमिकल प्रॉपर्टीज बस हाइड्राइड्स को लेकर चेक किया जाता था, लेकिन इन्होंने बस हाइड्राइड्स को लेकर नहीं बोला, बोला कि हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स दोनों डिसाइड करते हैं तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने ले लिया सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का हाइड्राइड क्या होगा? NaH, एंड क्लोरीन का हाइड्राइड क्या होगा? HCl। दोनों में सोडियम और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा? 1:1। यहाँ पे भी HCl का क्या होगा? 1:1। लेकिन सोडियम तो मेटल है एंड क्लोरीन नॉन मेटल, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। तो दोनों को अगर मैं पहले के हिसाब से मानूंगा तो सोडियम और क्लोरीन एक ही ग्रुप में आएंगे, जो कि गलत था। तो इन्होंने बोला बस हाइड्राइड्स नहीं, अब ऑक्साइड्स को भी अप्लाई करो। जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम क्या होगा? Na2O, एंड क्लोरीन का क्या होगा? Cl2O7। ये रेशियो सेम है क्या? नहीं, ये 2:1, ये 2:7 है। तो हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स दोनों का रेशियो सेम रहेगा तब तुम्हारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम मानी जाएगी। एक एग्जांपल और समझ लो। सपोज सोडियम एंड पोटेशियम ले लिया। पोटेशियम और सोडियम का हाइड्राइड्स का रेशियो क्या होगा? 1:1, NaH और KH, एंड ऑक्साइड्स का रेशियो क्या होगा? Na2 और K2O। तो दोनों का सेम सेम है, तो इनको हम एक ही ग्रुप में रखेंगे। तो सोडियम और पोटेशियम एक ही ग्रुप के मेंबर होंगे, लेकिन सोडियम और क्लोरीन एक ग्रुप के मेंबर नहीं होंगे। तो इस हिसाब से मेंडलीव ने अपना पीरियड टेबल बनाया था। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे टोटल 12 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप थे। ये पूरा इनका पीरियड टेबल था। ये बहुत हद तक सक्सेस था। इनकी कुछ गलतियां थी, गलतियों को पहले हम समझते हैं इन्होंने क्या सक्सेसफुली बताया था, इनके क्या अचीवमेंट्स है। इनके टोटल अचीवमेंट्स 4 थे। पहला अचीवमेंट था कि इन्होंने पूरी की पूरी पीरियड टेबल, जितने एलिमेंट्स उस टाइम पे थे, सबको सिस्टमैटिक तरीके से एक प्रॉपर वे में क्लासिफाई करके दिखाया था। दूसरा अचीवमेंट था कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के करेक्शन किए थे, एटॉमिक मास चेंज किए थे। जैसे बेरियम को चेंज किया था, बेरिलियम को चेंज किया था, जो कि उसका एटॉमिक मास पहले 13.5 था, न्यूलैंड ने बताया 9 होता है, 13.5 जो है गलत है। इनका थर्ड अचीवमेंट क्या था? इन्होंने कुछ प्रेडिक्शन किए थे, फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स के नाम बताए थे। सपोज मैं उसको समझता हूँ उन्होंने कैसे किया था, कि मैं एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करूँ, A, B, C, D ऐसा अरेंज किया। अब A का एटॉमिक मास 5 है, B का 6 है, C का 7 है, D का 8 है, फिर एक एलिमेंट छोड़ दिया, मेरे को मिला F मिला जिसका नाम 10। तो उन्होंने बोला बीच में एक और एलिमेंट है जो जिसका एटॉमिक मास 9 होगा। हमें 9 तो मिला नहीं, 5, 6, 7, 8, फिर 10 आ गया। तो उनको उन्होंने अंदाजा लगाया था फ्यूचर में कोई ना कोई एलिमेंट आएगा जो 9 होगा, और उन्होंने उसके लिए ब्लैंक स्पेस, मतलब खाली जगह छोड़ के रखा था, और उसका नाम भी बताया था। ऐसे 3 एलिमेंट्स को उन्होंने प्रेडिक्शन किया था। उसका नाम है एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, जो कि बाद में मिले। एका बोरॉन का बाद में नाम रखा गया स्कैंडियम, जो कि एका बोरॉन और स्कैंडियम की प्रॉपर्टी सेम थी। एका एल्यूमिनियम का नाम था गैलियम, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी। फिर एका सिलिकॉन का नाम था जर्मेनियम, और इनका सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की प्रॉपर्टी सेम थी। तो इनकी प्रेडिक्शन थी फ्यूचर में आने वाले आकाशवाणी उन्होंने किया था, जो कि बाद में सही निकला, उनकी प्रॉपर्टी सेम थी। फिर लास्ट इनका जो था अचीवमेंट था कि प्लेसमेंट्स ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस को उन्होंने प्रॉपर वे में अरेंज किया था। उस टाइम पे नोबल गैस तो नहीं थे, लेकिन जब मेंडलीज पीरियड टेबल बन गया, उसकी कुछ ही दिन बाद नोबल गैस आए। बट नोबल गैस आ जाने से पीरियडिक टेबल में कुछ भी चेंजेस नहीं करना पड़े। नोबल गैस का अपना खुद का एक रो मिल गया। वहां पे ऐसा नहीं कि नोबल गैस आ गया तो उनको पीरियड टेबल को वापस रीअरेंज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। नोबल को उसका अपना पोजीशन मिल गया था। ये थे इनके अचीवमेंट्स, इन्होंने सक्सेस बनाए, सक्सेसफुली ये सब चीजें एक्सप्लेन किए थे। अब इनके कुछ लिमिटेशन, इनके लिमिटेशन 5 थे। पहला लिमिटेशन था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं था। ऐसे तो हाइड्रोजन का पोजीशन मॉडर्न पीरियड टेबल में भी नहीं है, वहां पे भी अभी रैंडम घूम रहा है, यहाँ रहूं कि वहां रहूं। तो हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं था कि अल्कली मेटल में आएगा, मतलब फर्स्ट ग्रुप में आएगा कि सेवेंथ ग्रुप में आएगा, और अभी के लिए 17th ग्रुप जो हैलोजन ग्रुप है उसमें आएगा। ये फिक्स नहीं है हाइड्रोजन का। दूसरा लिमिटेशन था पोजीशन ऑफ आइसोटोप। पहले आइसोटोप समझिए क्या होता है। आइसोटोप का मतलब होता है वो मेंबर जिनका एटॉमिक मास अलग अलग हो लेकिन एटॉमिक नंबर एक हो। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, बहुत सारे मेंबर है जिनके आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन का 37-35 दोनों होता है, कार्बन का C12-C14 दोनों होता है। तो ये सब जो मेंबर है इनके एटॉमिक नंबर सेम है, 6 ही रहेगा कार्बन के केस में, लेकिन एटॉमिक मास का 12 का 14 हो गया। अगर इनको मेंडलीव के हिसाब से क्लासिफाई करें तो उन्होंने बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास रखना है,
तो कार्बन C12 कहीं और आएगा, C14 कहीं आएगा, लेकिन दोनों तो है कार्बन, बट दोनों को अलग अलग पोजिशन दिया जाएगा क्योंकि हमने बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास की तरीके से अरेंज करना है। तो आइसोटोप को हम परफेक्ट पोजिशन नहीं दिए थे, आइसोटोप में जितने मेंबर होंगे एक ही एटम को अलग अलग पोजिशन दिया गया था। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम, ये तीनों अलग अलग मेंबर अलग अलग जगहों पर रहेंगे जबकि तीनों की तीनों हाइड्रोजन ही है। तो आइसोटोप सक्सेसफुली अरेंज नहीं हो पाए थे मेंडेल्स प्रेडिक्टेबल में। इनका थर्ड लिमिटेशन है, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को ऐसा रख दिया था जिसका एटॉमिक मास आगे पीछे हो गया था, जैसे कोबाल्ट हो गया, उसका एटॉमिक मास निकल से ज्यादा है, लेकिन उनको पीरियोडिक टेबल में उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से अरेंज करते करते उन्होंने कोबाल्ट को निकल के पहले रख दिया था, जो कि एक गलती थी। इनका चौथा लिमिटेशन है कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया था जिनकी प्रॉपर्टी तो सेम थी लेकिन पोजीशन अलग अलग था, जैसे प्लैटिनम और गोल्ड। प्लैटिनम और गोल्ड दोनों की दोनों को प्रॉपर्टी सेम होता है लेकिन दोनों को अलग अलग ग्रुप में रखा गया था जबकि दोनों सेम ही एलिमेंट्स हैं, सेम मतलब सिमिलर ही प्रॉपर्टीज है। सिमिलर प्रॉपर्टीज का कहने का मतलब कि एक ही ग्रुप में इनको रखना है लेकिन इन्होंने अलग अलग ग्रुप में रखा था, तो ये इनकी चौथी लिमिटेशन थी। और पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि पीरियोडिसिटी मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच में जितना सिमिलैरिटी है प्रॉपर्टीज को लेकर के, इसका रीजन क्या है, इसकी कॉजेस क्या है, ये बातें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि उन लोगों ने बेसिस क्या लिया था, एटॉमिक मास लिया था। तो ये था मेंडलीव्स का पीरियड टेबल, मैंने बताया इसके बारे में पीरियड्स क्या है, टेबल कैसे बनाया था, कुछ अचीवमेंट्स और कुछ लिमिटेशन जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मॉडर्न पीरियड टेबल पे, होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, ना फिर बाय।